हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है पाइथन सीखने की सीरीज में। और आज की भी ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात इस तरह के प्रश्न की आ जाती है। अब जरा प्रश्न जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना, 6/2 × 3, यानी एक्सपोनेंट की बात करी जा रही है, × 8+6। अब बच्चे टोटली कंफ्यूज है कि पहले हम एक्सपोनेंट करें कि पहले हम भाग दें कि पहले हम गुणा करें कि पहले हम जोड़ें। अब ऐसे में कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, तो होगा ये कि बच्चे यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक्सपोनेंट करने की कोशिश करेंगे या यहाँ पे भाग देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यह भाग देने पर 2 में 6 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 × 3 इसका मतलब है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट यानी 3×3 9 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 9। अब ये पूरे का रिजल्ट देखिएगा, इतने का रिजल्ट आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 9×8 72 हो जाएगा, और 72 और 6 कितना होता है 78। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 78 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरीके से आपको नहीं करना है। कैसे करना है देखिए बताता हूँ, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोनेंट करिए, एक्सपोनेंट कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 12.0 आ गया ना, 12.0 ही आएगा। अब मैं दिखाता हूँ करके एक एक स्टेप। ये देखिए 2 को अगर 3 से ये जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर करवाएंगे तो यहाँ तो 8 ही आएगा, तो यानी इतना तो सॉल्व हो गया, इतने का आंसर आ गया 8, ठीक है। अब डिवाइड करना है, 6/8 करना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 6/8 करने पे 0.75 आ गया। अब 0.75 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 आ गया, सिंपल सी बात है, 6 आ गया। अब यहाँ पे लिखिए 6.0 आया, ये भी ध्यान दीजिएगा, 6.0 में प्लस कर दीजिए 6, जरा देखिए कितना आ रहा है, 12.0 आ रहा है। तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आसान है, एक नंबर लेना बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। ओके।